जेवर रजवाहे से निकला माइनर, जो सुनपेड़ा माइनर है, उससे खेतों में पानी भरा। आप देख सकते हैं इस माइनर से एक बरहा जा रहा है जहां से पानी कट जाता है, उसी कारण ये रविंदर जी के खेत में पानी भरा है। ये समस्या और किसानों की भी है, पानी ज्यादा ओवर होने के बाद में खेतों में पानी भर जाता है और उनकी फसल खत्म हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं मक्का की खेती की इन्होंने शुरुआत की, बीज लगाया, डाई लगाई, सारी चीजें लगाई, लेकिन पानी भरने के कारण सब खत्म हो गया। आप देख सकते हैं ये माइनर पूरा भर के चल रहा है और थोड़ा पानी ओवर होने के बाद खेत में पानी भर जाता है। किसान इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं किसान बोल रहा हूँ बिलासपुर से, रविंद्र कुमार। मेरा चेक है सुनपेड़ा माइनर के सहारे और ये जो बम्बा आ रहा है जेवर रजवा है उसमें से सुनपेड़ा माइनर कटी हुई है। इतना पानी अधिक आ रहा है कि बिना भरे पानी मेरी मक्का बोई मैंने 20 बीघे, सारी मक्का जमीन एक दाना भी, सारे में पानी पानी भर गया, पूरे चक में पानी भरा हुआ है जबरदस्त। अच्छा, ये जो माइनर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? सुनपेड़ा माइनर बोले, सुनपेड़ा माइनर बोलो। ये है जेवर रजवाहा, उससे आ रही है माइनर, सुनपेड़ा माइनर, उसके सारे चके हमारा वो पूरा चक भर दिया है। पानी नजर जबरदस्त पानी आ रहा है, पानी रुक नहीं पा रहा। तो आप प्रशासन से क्या मांग करोगे? इसका मांग ये, पानी के हिसाब से छोड़ा जाए और जो मैंने इसमें लागत लगाई है, बीज खाद डाई बोया, मक्का बोई, एक दाना नहीं जमा, पानी भर गया पूरे खेत में। आप देख सकते हैं ये जेवर रजवाहा है, अभी पूरी तरीके से फुल चल रहा है। किसान जो हैं यहाँ मौजूद हमारे साथ, उनका कहना है कि 3 फुट ओवर पानी चल रहा है, जिसकी वजह से माइनर में पानी भी ज़्यादा आ रहा है, जिस वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। माइनर का गेट है, बताया जाता है पहले यहाँ पर गेट लगा हुआ था, यहाँ से पानी का रास्ता है, पहले यहाँ पर गेट लगा हुआ था लेकिन गेट कोई चुरा कर ले गया, उसके बाद यहाँ गेट नहीं लगाया गया है, जिससे पानी भी किसान बंद नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं इस रजवाहे को, जेवर रजवाहे को, यहाँ की स्थिति क्या है, पूरा भरकर चल रहा है जिससे किसानों की फसल डूब रही है।